हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉमन टॉपिक, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। ये टॉपिक क्लास 9 से लेके बीएससी, एमएससी, नीट, एम्स और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो आज हम एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर की डिटेल से स्टडी करेंगे और आई होप आपको ये बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं एक एनिमल सेल्स के स्टडी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका की सामान्य संरचना। अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में कोशिका की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। कोशिकाओं की आकृति सामान्यतः उनमें कार्य करने की क्षमता, कोशिका कला की स्थिति, कोशिका कला की प्रत्यास्थता, दृढ़ता एवं कोशिका के भीतर का आंतरिक व बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित या नियमित हो सकता है। विभिन्न प्रकार की सेल्स में हमने देखा है अलग अलग प्रकार की शेप साइज होती है। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के सेल स्ट्रक्चर की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में समस्त प्रकार के एनिमल्स और प्लांट सेल्स को इंक्लूड किया जाता है। एक बात करते हैं मैं आज एक एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स भी विभिन्न प्रकार की होती है। अगर हम इनकी साइज या शेप की बात करें तो विभिन्न प्रकार का शेप शो करती है। जैसे ये सर्कुलर हो सकती है, लीनियर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्पाइरल शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप हो सकती है, फ्लैटेंड हो सकती है। इसके अलावा स्टिलेट हो सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार के शेप या आकृति शो करती है। अलग अलग एनिमल सेल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन के स्पर्म सेल्स को देखा जाए तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर शो करती है। ऐसे ही एक ऑस्ट्रिच के एक की सेल्स वो राउंडेड शेप की होती है। इसके अलावा हम बात करें मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स इलोंगेटेड सेल्स होती है। ऐसे ही हम बात करें नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स भी इलोंगेटेड सेल्स होती है। हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में पाई जाने वाली सेल्स इरेगुलर या अनियमित प्रकार की होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जैसे कोइनोसाइट सेल्स है, पॉलीफेरेंस एनिमल में पाई जाती है, तो इनका शेप साइज भी अलग प्रकार का होता है। बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का शेप हम पढ़ते आते हैं कि मैमल्स की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो इरेगुलर शेप शो करती है, अर्थात अनियमित प्रकार का आकृति उनमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की सेल्स के बेसिस पे आप यूं कह सकते हो कि सेल्स का आकार, उनमें पाए जाने वाले कार्य की क्षमता, इनके अलावा उनके कोशिका कला की स्थिति या दृढ़ता और उसके बाह्य व आंतरिक वातावरण पर निर्भर होती है। तो आज हम यहाँ एक जनरली यूं कह सकते हैं आप एनिमल सेल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्टडी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पे एक एनिमल सेल का इस प्रकार का डायग्राम हमारे सामने आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर की होती है। ये लेयर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलती है। ये सामान्य सूक्ष्मदर्शी से आप नहीं देख सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर की, क्योंकि ये सिंगल लेयर होती है एनिमल सेल से, अतः इनमें बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आप सब जानते हैं एक एनिमल सेल्स का सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर
का मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था उसमें स्पष्ट तौर पे आपको पता होगा कि दो फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है और एक प्रोटीन की परत पाई जाती है। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन के कार्य की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेल को दृढ़ता व प्रत्यास्थता, आप कह सकते हो स्केलेरिटी और इलास्टिसिटी, दोनों प्रोवाइड करवाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसकी वजह से सेल अपने आकार को नियमित बनाए रखती है या अपने आकार को दृढ़ बनाए रखती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कि यह आयन्स के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है, अर्थात आयन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर आयन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सेमी परमिएबल होती है, एनिमल सेल की बात करें तो ये सेमी परमिएबल होती है, अर्थात ये कुछ सेलेक्टिव आयन्स को ही अपने भीतर और बाहर जाने देती है। तो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य एक तो सेल के शेप को निर्धारित करना है, दूसरा इसको प्रोटेक्ट करना है विभिन्न प्रकार के जो रगड़ है या स्ट्रोक है उनसे बचाने का कार्य करती है सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को या साइटोप्लाज्म को। इनके अलावा तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये आयन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर आप यूं कह सकते हैं कि एक जंतु कोशिका की कोशिका कला या प्लाज्मा कला सेमी परमिएबिलिटी शो करती है या अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है, जो कुछ सिलेक्टेड आयन्स को ही अपने भीतर और बाहर जाने देती है। ये सांद्रता पर निर्भर होता है कि कौन से आयन्स को ये भीतर लेगी और कौन से आयन्स को ये बाहर या बाहर निकालेगी। तो सेल मेम्ब्रेन के मुख्य कार्य ट्रांसपोर्टेशन का है। बात करते हैं हम इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स लिपिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका के भीतर पाए जाने वाला समस्त प्रकार का जिलेटिनस फ्लूइड या समांगी प्रकार का तरल पदार्थ जो होता है वो इसका कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि कोशिका कला से लेके केंद्रक के मध्य, कोशिका कला ये वाली और केंद्रक ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर से लेके कोशिका कला के बीच तक बीच में जो भी समांगी प्रकार का तरल या जेली समान पदार्थ जो पाया जाता है वो इसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को हम डीपली अगर देखें तो ये दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो परिधि की तरफ पाया जाता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कह सकते हैं और जो सेंटर में या न्यूक्लियस रीजन के आसपास पाया जाता है उसे हम एंडोप्लाज्म कह सकते हैं। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के रूप में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के ओलिगोसेक्राइड्स लिपिड फॉस्फोलिपिड्स जल और विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जिसे हम कंबाइंड रूप से साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अलावा हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संरचना जो कि इसके सेंटर में दिखाई दे रही है, ये वाली जो संरचना है वो इसका न्यूक्लियस कहलाती है। आप यूं कह सकते हो जैसे किसी प्रकार की कोशिकाओं का जो नियंत्रण करता होता है वो इसके भीतर पाई जाने वाली एक कोशिकांग है, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी थी। केंद्रक ही पूरी सेल की मेटाबॉलिज्म या सभी प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण करता होता है, अर्थात केंद्रक सेल की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस ये सेंटर में उपस्थित होता है, जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए कोइल्ड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में डीएनए इनमें उपस्थित होता है, जिसे आप यूं कह सकते हो कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स आगे चल के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और क्रोमोसोम जो कि डीएनए युक्त होते हैं, इन डीएनए युक्त गुणसूत्रों की अगर बात करें तो ये इनका जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो सेल्स के ट्रांसफर या आप कह सकते हैं
जंतुओं के महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक सेल से अगली जनरेशन या अगली प्रोजेनी में ले जाने का एक मीडियम होते हैं। तो न्यूक्लियस में डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए और क्रोमोसोम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलती है जो डीएनए को बाइंड करने का कार्य करती है। और इसके अलावा हम बात करें तो इस न्यूक्लियस रीजन में एक विशेष संरचना देखने को मिलती है जो कि सघन या गोलाकार शेप में होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका केंद्रक में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना है जो आरआरएनए के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करने का कार्य न्यूक्लियोलस करती है या केंद्रिका करती है। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर या जिलेटिनस जो फ्लूइड देखने को मिल रहा है, ये सारा इसका केंद्रक द्रव्य है जो केंद्र के भीतर पाया जाता है। तो केंद्र के भीतर पाए जाने वाला पदार्थ आप यूं कह सकते हो कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियोलस जो कि विशेष संरचना है जो आरआरएनए के फॉर्मेशन में सहायक होती है, यहीं से न्यूक्लियस से ही आरआरएनए निकलकर केंद्रक केंद्रक से होता हुआ साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ये तीनों महत्वपूर्ण संरचना है। और आप यू कह सकते हो किसी भी एनिमल सेल्स के लिए उसके जेनेटिक मटेरियल की उतनी ही महत्वपूर्ण भागीदारी है जितने की सेल के कंट्रोलर की। अर्थात ये सेल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल को भी इंक्लूड रखता है। और ये विभिन्न प्रकार की सेल्स की एनाटोमी, मॉर्फोलॉजिकल या विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें ये केंद्रक से लगने वाली कुछ ऐसी संरचनाएं, ये आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही होगी। ये जो केंद्रक से लगी हुई संरचनाएं हैं, इन्हें हम सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरदेवीय जालिका कहते हैं। अंतःपरदेवीय जालिका की बात करें तो ये केंद्रक झिल्ली से अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। और केंद्रक झिल्ली से अगर ये विदाउट राइबोसोम्स होती है तो इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अर्थात केंद्रक झिल्ली के पास से ये ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं जैसी संरचनाएं जो राउंडेड या सर्कुलर ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। यहां राइबोसोम्स की अनुपस्थिति है, अतः इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है कि ये ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, इनके सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म में सहायक होती है। जबकि बात कर रहे हैं हम एक अन्य प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो केंद्रक झिल्ली के बिल्कुल पास में थी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और केंद्रक झिल्ली से दूर की तरफ अर्थात परिधि की तरफ पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है या खुरदरी प्रकार की अंतःपरदेवीय जालिका कहलाती है। खुरदरी प्रकार की अंतःपरदेवीय जालिका का महत्वपूर्ण कार्य है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, अर्थात सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए RER रेस्पॉन्सिबल होती है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तरदायी होती है। तो अंतःपरदेवीय जालिका दो प्रकार की होती है, जो केंद्रक झिल्ली के पास में है अर्थात जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं वो स्मूथ या चिकनी अंतःपरदेवीय जालिका होती है, और जो केंद्रक झिल्ली से दूर जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपरदेवीय जालिका कहलाती है। और खुरदरी अंतःपरदेवीय जालिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि ये कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का कार्य करती है। हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी गोल्जी बॉडी की तरह तीन भागों में डिवाइड होता है, जिसे आप कह सकते हो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। तो ये सिस्टर्नी ट्यूबुलर कंडीशन में होती है, यहाँ आपको छोटे छोटे वेसाइकल्स भी देखने को मिलते हैं और वेक्यूल्स भी देखने को मिलती है। तो वेक्यूल्स और वेसाइकल्स और सिस्टर्नी से मिलकर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है। हम बात करें एक और महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली संरचना, जिसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहते हैं।
सामान्यतः गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस केंद्रक के बिल्कुल पास में होता है। ये देखो ये केंद्रक है, केंद्रक के पास में अर्थात केंद्रक से कम दूरी पर यह स्थित होता है। और गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इनका संरचना भी सामान्यतः तीन प्रकार की विशिष्ट संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टर्नी सिस्टर्नी वेसाइकल्स, जिसे आश्य कहते हैं, और वेक्यूल्स। इन तीन संरचनाओं से मिलकर गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। सिस्टर्नी सामान्यतः समांतर क्रम में स्थित होती है, जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 के आसपास होती है, और इनके किनारों पे दो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम वेसाइकल्स और वेक्यूल्स कहते हैं। तो वेसाइकल्स, वेक्यूल और सिस्टर्नी, इन तीनों से मिलकर एक गोल्जी बॉडी की संरचना बनी होती है, अतः इसे हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी के कार्य की बात करें तो गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य सिक्रीशन है, अर्थात स्रावण है। ये विभिन्न प्रकार के सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का संश्लेषण करने के साथ साथ में स्रावण करने का कार्य करता है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियोलस से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उन इनकर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये कुछ समय के लिए स्टोरेज रखते हैं, और स्टोरेज रखने के बाद में ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी सिक्रीशन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आयंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टोरेज का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम एक और महत्वपूर्ण संरचना, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक जंतु कोशिका में एक स्पाइरल शेप में, या आप कह सकते हो सर्कुलर या क्यूबोइडल शेप में स्थित होते हैं। आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी जंतु कोशिका में एटीपी का प्रोडक्शन करने का कार्य करते हैं, अर्थात ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें एटीपी का पावर हाउस भी कहते हैं, या आप कह सकते हो ये कोशिका का शक्तिग्रह कहलाते हैं। सेल का पावर हाउस या एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। तो कोशिका का शक्तिग्रह जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण संरचना है जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स एक जंतु कोशिका में 1 से लेकर 1000 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है सेल्स की पोटेंशियल के आधार पे, क्षमता के आधार पे, या फंक्शन के आधार पे, या फिजियोलॉजी के आधार पे कि सेल्स क्या कार्य कर रही है, कहां स्थित है, उसके अनुसार सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स कम हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अर्थात कोशिका की कार्य क्षमता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और जंतु कोशिका में या सभी जिन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं उनमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भीतर विभिन्न प्रकार के श्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स या एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की वजह से इनमें विभिन्न प्रकार की चेंज चलती है और एटीपी का प्रोडक्शन करती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस का कार्य करता है। इनके अलावा कुछ विशेष संरचनाओं की बात करें तो ये आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, अर्थात ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इन्हें हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सेल्स के सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं, अर्थात आत्मघाती थैलिया कहलाते हैं। आत्मघाती थैलिया क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये सेल्स के भीतर जो पदार्थ या घटक उपस्थित होते हैं ये उनको डाइजेस्ट या पचाने का कार्य करते हैं। अर्थात
ये सेल्स के सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैलिया कहलाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है डाइजेशन या पाचन। आपने देखा होगा अगर बाहर से किसी भी कोशिका में कोई फॉरेन पार्टिकल अगर प्रवेश करता है और वो सेल्स उस पर रेस्पॉन्स शो करती है, तो वो करती है सिर्फ लाइसोसोम की वजह से। लाइसोसोम एकमात्र ऐसी संरचना है जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति रिएक्शन करती है या रेस्पॉन्स करती है और उस फॉरेन पार्टिकल्स को अपने भीतर इंक्लूड करके उसका पिनोसाइटोसिस या एक्जोसाइटोसिस के द्वारा उसका पाचन करती है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बाहर या रिमूव करती है। अर्थात लाइसोसोम आप कह सकते हैं कि कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है जो विदेशी काय या विदेशी पदार्थों के पाचन का कार्य करती है और ये एंडोसाइटोसिस जिसमें आपके पिनोसाइटोसिस प्रमुख प्रकार की क्रिया है उसके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के बाह्य या पैथोजेनिक वेक्टर को या पैथोजेनिक एजेंट्स को बाहर निकालने का कार्य करती है, जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल प्रोटोजोन्स, इन सभी को ये नष्ट करने का कार्य करती है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि लाइसोसोम एक तरह से डाइजेशन का कार्य करता है जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के भीतर उपस्थित टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। इनके अलावा हम बात करते हैं ये कुछ संरचनाएं जो मैंने डॉट डॉट लाइक मेंशन करी है, ये संरचनाएं राइबोसोम कहलाती है। राइबोसोम का हम सेल का इंजन कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम को कोशिका का इंजन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, अतः इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को सामान्यतः हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की तो एनिमल सेल्स में राइबोसोम 18S प्रकार के देखने को मिलते हैं। अर्थात 18S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं जो कि एक यूकेरियोटिक सेल्स का फिनोमिना है। 18S की बात करें तो ये दो लार्जर एक लार्जर और एक स्मॉलर दो यूनिट्स में डिवाइड रहता है, अर्थात दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। एक सब यूनिट इसकी 50S होती है और दूसरी सब यूनिट इसकी 40S होती है। अर्थात 50S सब यूनिट और 40S सब यूनिट से मिलकर ये बने होते हैं। राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य स्टूडेंट्स मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं और राइबोसोमल आरएनए जो केंद्रिका केंद्रक में स्थित विशिष्ट संरचना, ये जो राउंडेड या सघन कॉम्पैक्ट प्रकार की जो संरचना है ये आरआरएनए का सिंथेसिस करती है। यहाँ से आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। अर्थात राइबोसोम को हम सेल का इंजन या आप कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इनके अलावा कुछ विशेष संरचनाएं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी संरचनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म संरचनाओं का फॉर्मेशन करती है, जैसे विभिन्न प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करती है और सेंट्रोसोम तारकाय, आप सब जानते हैं कि तारकाय या सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन के समय बहुत मददगार सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर हम बात करें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की तो सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण ही सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है या तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है और ये तर्कु तंतु ही गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल या माइक्रोट्यूबुल्स एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कि सेल डिवीजन के दौरान हेल्पफुल होती है। इनके अलावा हम बात करें कुछ पिनोसाइट टोटिक वेसाइकल्स उपस्थित होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन या इनफोल्डिंग की वजह से बनते हैं। इनके अलावा हम एक महत्वपूर्ण संरचना की बात करें तो ये कोशिका कला की आउटर सरफेस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर किसी भी सेल के सरफेस को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात कोशिका की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस हो सकता है। इसके अलावा ये पचित भोजन को संश्लेषित करने के साथ साथ में पचित भोजन को संग्रहित करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो माइक्रोविलाई का प्रमुख कार्य है किसी सेल सरफेस को बढ़ाना, जिसकी वजह से डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स को ये अपने भीतर समाहित करके रखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये था
एक जंतु कोशिका का सामान्य अध्ययन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिस पे हमने डिटेल स्टडी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस के रिंग बटन को हिट करें ताकि आपको आने वाले दिनों में नए नए वीडियो के अपडेट्स समय पे मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।